मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर से गंदी सूरत, मूर्ख, पप्पू, बंटाधार, उचक्का जैसे शब्द बोला तो असंसदीय माना जाएगा, लेकिन सदन के बाहर सियासत के लिए असंसदीय शब्द और विचार दोनों रखे जा रहे हैं। जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न की घोषणा की है उससे खिलाड़ी प्रफुल्लित है, आनंदित है और गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। भारत का सीना फूल रहा है और जो थी वो खत्म हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ कि भद्दे आपत्तिजनक शब्दों को असंसदीय बताकर किताब छप गई। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम ऐसे तय हुए असंसदीय शब्दों को चुनकर छापी गई किताब का विमोचन भी कर देते हैं, जिसमें कहा गया कि चवन्नी छाप, चड्ढीधारी, पप्पू माई का लाल, जनसंघी जैसे शब्द लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत है और विधायक सदन के भीतर नहीं बोल सकते, लेकिन मध्य प्रदेश में ही नेता बाहर कुछ भी बोले चलता है। एक और उदाहरण देख लीजिए। ये कलेक्टर इतना निकम्मा है, बेवकूफ है, दुनिया भर का मतलब बाहर नेता लोग निकम्मा भी कहेंगे, बेवकूफ भी, और फिर गाली भी दे देंगे, जिस पर बीप हमको लगानी पड़ेगी। लेकिन विधानसभा के भीतर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इसकी किताब छापी जाएगी। जहां ये तक कह दिया गया कि वेंटिलेटर शब्द का भी इस्तेमाल विधायक नहीं कर सकते, ना ही लफंगा बोल पाएंगे, ना बूढ़ा शेर, ना अंगूठा छाप। लेकिन मध्य प्रदेश में जिन असंसदीय शब्दों की किताब छाप कर उसे लोकतंत्र की मर्यादा रक्षक होने का खिताब दिया जाता है, उसी सदन के विधायक अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनते शायद। दो बयान आप सुनिएगा। 420 धोबी के कुत्ते की तरह चोर का भाई गिरकर, चिल्लर चिल्लर उल्लू का बच्चा, अब ये सारे शब्दों का चयन इसमें और भी पूरी की पूरी पुस्तक है। अब इसमें से हमको भी पता नहीं था कि कई शब्द संस्कृत है कि असंस्कृत है, लेकिन अब देखिए आपको सचमुच में ये अभिनंदन के प्रयास किया है कि जो लोक में लोक की जबान पर प्रचारित हो गया पप्पू शब्द, हम 230 की चार घंटे के हाउस में नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की 1 अरब 30 करोड़ जनता के दिमाग में जो पप्पू चढ़ा है, जो आलू से सोना बनाने का धंधा कर रहा है, उसको ये तो समझाएंगे कि लला आलू से सोना नहीं बनता, आलू से चिप्स बन जाते हैं और आलू की सब्जी बन जाती है, ज्यादा से तो समोसे में भर के खाओ। तो परंपरा का पालन करना हमारा ध्येय है, लेकिन एक तरफा ताली नहीं बजेगी। मतलब सारी मर्यादाओं का कलश सिर्फ सदन के भीतर के लिए उठाया जा रहा है, बाकी नेता बाहर महंगाई के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दें, कलेक्टर को निकम्मा बताकर गाली दे दें, केंद्रीय मंत्री कौवे की तरह सरपंच को टांग देने की बात कह दें, पूर्व मुख्यमंत्री महिला विधायक को आइटम बता दें और एक सांसद जी जनसंख्या के लिए मुस्लिमों को दोषी बता दें। सब कुछ संसदीय मान लिया जाएगा तब किसी को जनता की और लोकतंत्र की मर्यादा की चिंता क्या नहीं रहेगी? क्या लोकतंत्र की मर्यादा के पालन की जिम्मेदारी सिर्फ सदन के भीतर होती है? अगर नहीं तो जिन शब्दों को सदन के भीतर बोलने पर मनाही है, बाहर विधायकों को उन्हें बोलने की छूट क्यों मिलती है? भद्दे और आपत्तिजनक शब्दों को विधानसभा की कार्रवाई से हटाने का नियम बना है, ना कि आरोपी सदस्यों पर कार्रवाई का। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मर्यादा के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी हुई है और क्या बाकी गालियों की राजनीति लीला यूं ही चलती रहेगी? कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।